अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज हम फिर हाजिर हुए हैं। नई वीडियो और नया शहर। मैं इस टाइम हरिपुर शहर में हूँ, मेरे साथ वली मोहम्मद भाई साथ हैं और ये हमें बाग का सैर कराना है। ये बाग किस चीज़ का है जिससे आप लोग, थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन आप लोग बड़े शौक के साथ खाते हैं। कोई ऐसे ही बना के खाता है, कोई कीमे के साथ मिक्स करके खाता है, जिसे करेला कहते हैं और इंग्लिश में इसे बिटर गट कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आज आपको हम इसकी सैर करा रहे हैं। आइए चलते हैं बाग की तरफ। यहाँ हमने देखा कि लोग फसलों में काम करें, मुख्तलिफ फसल हैं जिसमें टमाटर है, करेला है, भुट्टा भी था। मेरे साथ एक दोस्त और भाई शहजाद भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और वो इस टाइम जो है वो फूल गोभी की जो है वो काश्त कर रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे। शहजाद भाई बताइएगा, ये क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन का प्रोसेस होता है और कितने दिन में ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं जिनमें टमाटर है, करेला है, फूल गोभी है और भुट्टा है? अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन फूल गोभी जो हमने लगाई है, अभी ये ज़मीन में इसको लगाते हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं। दो पानी इसको लगा चुके हैं अभी, तो अभी ये अगर बारिश हो गया तो ठीक है, नहीं बारिश हुआ तो इसको और एक पानी लगाएंगे। तो इसका बस यही है, इसको रंबे के साथ या ये हम इसको कई बोलते हैं, इसके साथ इसका कर देते हैं इसको नरम ज़मीन को। ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने का फसल है, 2.5 से 3 महीने के बाद ये पैदावार अपनी शुरू कर देती है, तकरीबन 1 से 1.5 महीने में ये ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह करेला का बताइए। करेला तकरीबन आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले हमने लगाया है। कुछ लोग लगाते हैं टमाटर के साथ, टमाटर के साथ लगा देते हैं, कुछ वैसे लगाते हैं, जो वैसे लगाते हैं वो उसके साथ जाल लगाते हैं। ये एक छोटी सी ट्यूब होती है, उसमें हम उसका बीज करेले का डाल देते हैं, वो जब उगता है उसको फिर निकाल के वो उस समेत जो टूप होती है उसके काट देते हैं प्लास्टिक को, उसके समेत लगा देते हैं, वो फिर उसके साथ जाले के साथ ऊपर चली जाती है। अभी ये वो दूर सामने फसल लगी हुई है, टमाटर भी इसी तरह का, टमाटर भी तकरीबन इसी तरह से का, बिल्कुल इसी सेम, इसी तरह जिस तरह करेला लगता है इसी तरह उसकी भी रुखाई लगती है, उसको भी पानी के लिए क्या करना पड़ता है? ये तकरीबन जब ज़मीन बिल्कुल वतर में हो जी, ये इसको आप बूटा बोल रहे हैं, हम इसको सिटा बोलते हैं इधर, ये लोग मकई और सिटा बोलते हैं ना। तो ज़मीन में बिल्कुल जब बारिश हुई हो ताज़ा, अगर बारिश ना हो तो फिर हमारे पास पानी है, पानी लगाते हैं, पानी लगा के फिर उसको ज़मीन को तैयार करके फिर दाने जो हैं इसके मकई के वो डाल देते हैं, वो तकरीबन 5-7 दिन में वो उगाते हैं। उसके बाद जब वो तकरीबन इस साइज़ के होते हैं तो हम उसमें या ये रंबा लगाते हैं या उसमें हल डालते हैं, छोटा छोटा हल डालते हैं उसका, यानी कि गाशास वो ख़त्म हो जाता है। वो जितना तकरीबन वक्फे पे होता है उतना ही वो पैदावार ज़्यादा देता है, उतना ही उसके साथ सिता बहुत शुक्रिया ज़्यादा लगता है। जैसा कि आप लोगों ने जाना, शहजाद भाई ने बिल्कुल तफसील के साथ हमें बताया कि किस तरह जो है वो ये चारों फसल पे क्या क्या मेहनत होती है और किस तरह ये तैयार होती है। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं टमाटर यानी टोमेटो, उसकी फसल की किस तरह होती है। मेरे कैमरामैन उबैद खान आपको इस फसल, ये फसल दिखाएंगे कि किस तरह टमाटर लगे हुए हैं। कुछ कच्चे टमाटर हैं जो अभी कच्चे हैं, जो लाल हो गए हैं वो तैयार हो गए हैं, इसको जो है यहाँ के मकामी लोग तोड़ेंगे। और ये फसल है हरिपुर डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही खूबसूरत और चारों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ ये मुख्तलिफ बागात हैं जिसमें टमाटर है, करेला है और भुट्टे हैं। और मज़ीद अगर कोई चीज़ दिखेगी हमें तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको आज वीडियो में जो है वो करेला भी, करेले की फसल किस तरह की है वो भी दिखा रहे हैं और भुट्टे की फसल किस तरह की है वो भी दिखा रहे हैं। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं पश्तो ज़बान में इसको वगे कहते हैं, लेकिन ये भुट्टा है जिससे आप लोग भी बड़े शौक से खाते हैं, कोई इसके दाने खाता है, कोई 2 किलो भुट्टा खाता है। तो ये किस तरह जो है फसल है इसकी पूरी,
और तैयार फसल है अभी फैक्ट्री और सुजुकी के अंदर आप देख सकते हैं, तो उसको रख के लेके जा रहे हैं और फिर ये वहाँ जाके जो है वो उसको तोड़ेंगे, इसके अंदर से भुट्टे अलग कर देंगे और जो इसकी डंडियाँ और हरियाली रह जाएगी वो जो है वो जानवर खाता है, मकामी जो जानवर होता है, जो जिनके पास बकरे हैं, बकरे तो कम खाते हैं लेकिन ये कि भैंसे और गायें वगैरह ज़्यादा खाती हैं। तो हम आपको खूबसूरती दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपको दिखाते रहेंगे। हमारी वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।